माननीय सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महात्मा गांधी की प्रेरणा से पटना में स्थापित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिग्रहण कर इसे भाषा एवं साहित्य के संस्थान के रूप में विकसित करे। संकल्प वापिस हुआ महोदय। गांधी जी जब बिहार आए थे 18 में तो यहाँ से गए हैं वापिस, लेकिन भाषा और संस्कृति और समाज सेवा के बारे में भी वो काम कर रहे थे और सोच रहे थे। एक लंबा पत्राचार उनका हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर से, और उन्होंने पूछा था कि आज़ादी मिलने के बाद इस देश की राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा बनेगी। क्योंकि इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन की का उद्घाटन करने उन्हें जाना था फरवरी 1918 में। रविन्द्रनाथ ने कहा था बहुत विमर्श के बाद कि इसमें तो हिंदी ही ऐसी भाषा है जो जोड़ने वाला पूरे देश को जोड़ सकती है, संपर्क भाषा का काम कर सकती है। और गांधी जी के मन में बात आई और उन्होंने प्रेरणा दी लोगों को, और विभिन्न राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दूसरे राज्य भी, वहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। 1921 में यहाँ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। जमीन वहाँ सरकार की है और राजा कृत्यानंद सिंह के सहयोग से वो भवन बना था। इसलिए महोदय, और अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, बिल्कुल गैर साहित्यिक लोग जिन्हें भाषा और साहित्य से कोई संबंध नहीं है उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। और सभी माननीय सदस्य जानते होंगे अभी विवाह का मौसम है तो प्रतिदिन वहाँ बारात टिकती है या वस्त्रों की प्रदर्शनी लगती है, चूड़ियों की प्रदर्शनी लगती है, ये काम होता है। और जो मूल उद्देश्य था महात्मा गांधी का या दूसरे लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सहयोग था, आचार्य शिवपूजन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, सारे राम वृक्ष बेनीपुरी, इन लोगों के सहयोग से वो हिंदी साहित्य सम्मेलन बना। आज प्रयाग, इलाहाबाद हिंदी साहित्य सम्मेलन या इंदौर में, सब कुछ, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में मद्रास में उन्होंने हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की और अपने पुत्र देवदास गांधी को भेजा था वहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए। ये परंपरा रही है महोदय। लेकिन आज जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थिति है, सब लोग चिंतित हैं। साहित्यिक और भाषा से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं, साहित्य में नहीं हैं, उन्हें भी चिंता होती है उस स्थान को देखकर। और अब तो ये स्थिति है कि वहाँ के पूरे परिसर को व्यावसायिक संस्थान के रूप में बदल दिया गया है। दुकानें सजती हैं और वसूली होती है महोदय। कई बार झगड़े हुए, मुकदमे हुए वहाँ, विधि गोली चली, विधि व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई महोदय। और ऐसी स्थिति में सरकार भी संवेदनशील है और भाषा साहित्य और संस्कृति की रक्षा का उद्देश्य है सरकार का। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस स्थान को, जो सरकारी जमीन है, सब कुछ सरकार का है, और वहाँ एक बहुत समृद्ध पुस्तकालय था, वो पुस्तकालय भी अब नहीं है, पुस्तकें बेच दी का विषय है। और मैं जानता हूँ कि एक ऐसा जो अधिकारी प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं वो पढ़ दिया जाता है, लेकिन अगर ये नौबत आ जाए इस सदन में महोदय, तो मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि अगर इस पर मतदान की स्थिति भी पैदा हो तो आप मेरी भावना और बिहार के प्रबुद्ध लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए इसमें सहयोग करेंगे और इस संकल्प का समर्थन करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं ये विषय सदन के समक्ष रखता हूँ महोदय। धन्यवाद। माननीय मंत्री, सभापति महोदय, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार एवं विस्तार के लिए तथा राष्ट्र की संपर्क भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से राष्ट्र स्तर पर सन 1910 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। इस कार्य में पंडित मदन मोहन मालवीय एवं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी आदि महापुरुषों का विशेष योगदान था। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के तर्ज पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से 1919 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई।
कालांतर में इसका मुख्यालय पटना में निर्धारित हुआ, जहां सरकार के द्वारा कदम कुआं में भूखंड उपलब्ध कराया गया। सरकार, जनता एवं साहित्यकारों के सहयोग से इसका भवन निर्माण हुआ। लंबे समय तक यह संस्था पूरे देश में हिंदी भाषा साहित्य और साहित्यकारों के लिए तीर्थ की तरह सम्मानित होती रही है। इस संस्था के संचालन का दायित्व बिहार के साहित्यकारों, साहित्य सेवियों, रचनाकारों का है। संस्था के स्मृति पत्र के आलोक में संस्था को संचालित किया जाना है। बिहार के हिंदी एवं लोक भाषाओं के साहित्यकारों का दायित्व है कि इसे अच्छी तरह से संचालित करें, ताकि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो और इसका यश फैले। सैद्धांतिक रूप से सरकार का मत है कि साहित्य की संस्थाओं को साहित्यकारों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। सामान्यतया इसमें सरकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है, इसलिए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिग्रहण सरकार नहीं करना चाहती है और यह विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन भी नहीं है। महोदय रामबच्चन बाबू ने जिन बातों की चर्चा की है, इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी अवसर मिला है उसमें जाने का, कई कार्यक्रमों में, और मैंने भी जो पहले देखा था और आज जब जाता हूँ तो बहुत भिन्नता नज़र आती है। इसलिए गंभीर समिति बना दे, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न रहे उस पर। अभी जो माननीय मंत्री जी ने कहा, अभी आप गए होंगे तो दो चार लोग हैं और मुख्य रूप से जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का ही सब कुछ चलता है। तो एक व्यक्ति पूरी संस्था को कब्जे में ले ले और साहित्यकार उसे दूर रहें, कुछ फर्जी किस्म के लोग, पाँच छः लोग बैठ करके किसी की जयंती मना लेते हैं, किसी की पुण्यतिथि मना लेते हैं, अखबारों में खबरें छप जाती हैं, और माननीय मंत्री जी जैसे और कुछ दूसरे जो समाज के बड़े लोग हैं तथाकथित, उनको आमंत्रित करके वो खबरें छपवा लेते हैं और होता है कि साहित्य का काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं है। महोदय, इस संकल्प की भावना यही है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा महोदय, बल्कि वहां तो हस्तक्षेप क्या, पदक्षेप हो रहा है महोदय। वहां हाथी नहीं चलते, पैर चल रहे हैं, वहां विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो महोदय भावना तो यही है कि आप अधिग्रहण करें, एक संचालन समिति, एक व्यापक समिति बना दें और हर जिले के प्रतिनिधि उसमें रहें, जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, भाषा सेवी लोग हैं, यही तो इच्छा है। और ये आपने स्वीकार किया कि सरकार ने जमीन दी, तो सरकार का हस्तक्षेप तो होना ही चाहिए उसमें। समाज के चंदे से वो भवन बना, राजा कृत्यानंद सिंह ने उसमें बड़ा सहयोग किया, तो समाज ने खड़ा किया, लेकिन समाज के बदले कोई व्यक्ति विशेष उस पर कब्जा कर ले और उसका दुरुपयोग हो और सरकार देखती रहे और कहे कि मेरे सामने तो कोई प्रस्ताव नहीं है। महोदय ये विकल्प नहीं है, सरकार को सोचना चाहिए गंभीरता से, और इसीलिए ये संकल्प लाया गया है। मैं सरकार की भावना को समझता हूं, इसलिए संकल्प लाया गया। मैं बहुत खुलकर बहुत बातें नहीं कह रहा हूं यहां पर, लेकिन ये मंशा है सरकार की भी, और ऐसी स्थिति में कोई विकट समस्या न खड़ी हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि इसे सचमुच भाषा और साहित्य के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और बिहार की जितनी भाषाएं हैं सबका समावेश हो। मैंने तो कहा कि सरकार अकादमियों पर जो पैसे खर्च करती है, अलग अलग अकादमियों का भवन किराए पर भवन चलता है, महोदय उर्दू अकादमी उसका तो अपना भवन बन गया है, खैर सरकार की कृपा से, और मैथिली अकादमी का भी अभी भवन शायद नहीं बना है, मैथिली अकादमी, भोजपुरी अकादमी, मगही अकादमी, अंगिका अकादमी, ये सारी अकादमियाँ चल रही हैं और किराए के घर में चल रही हैं। हाँ, बंगला अकादमी, दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी, आधा दर्जन से ज़्यादा अकादमियाँ हैं महोदय, सरकार का राजस्व खर्च होता है उस पर, किराए पर चल रही अकादमियाँ। अगर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का वो बड़ा परिसर, उसका अधिग्रहण सरकार करती है, तो तमाम भाषा अकादमियाँ उसकी छत के नीचे आ जाएंगे। जिनका कब्जा है वो कहीं ना कहीं वो संचिका दबवाते रहे हैं, क्योंकि उनको व्यक्तिगत लाभ हुआ है, और ये परंपरा कई वर्षों से चल रही है महोदय। एक बड़े आदमी, एक समृद्ध आदमी, एक बाहुबली व्यक्ति, वो जब नहीं रहते हैं तो अपने दिवंगत होने से कुछ पूर्व दूसरे को सुपुर्द कर देते हैं। यही क्रम चल रहा है महोदय। कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, भाषा और साहित्य से कोई प्रेम नहीं है,
सिर्फ अर्थ का उपार्जन करना उद्देश्य है, और कभी भी ये विधि व्यवस्था का खतरा आ सकता है। कर दीजिए, जरूरी है। सभापति महोदय, विषय बहुत गंभीर है माननीय, विषय गंभीर और आपसे जुड़ा हुआ है, चूंकि आप साहित्यिक आदमी हैं। गंभीर के साथ साथ विषय की गंभीरता के साथ साथ रामबचन बाबू, जिनका हम समझते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े साहित्यकार के रूप में इनकी पहचान है, साहित्य प्रेमी हैं और इनके सीने में दर्द है साहित्य के विकास के लिए, और उससे संबंधित संस्था का अगर इस तरह से लूटपाट हो रहा है या उसका भविष्य खतरे में नज़र आता है, तो मामला वाकई संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। हमारी एक विनम्र प्रार्थना आपसे होगी रामबचन बाबू माननीय सदस्य, कि आपकी अध्यक्षता में पटना के चुने हुए साहित्यकारों की एक कमेटी बन जाए और उसमें आप इसको गंभीरता, चूँकि उस संस्था से लगाव ज़्यादा साहित्यकार, आम जनता तो वहाँ जा नहीं पाती है, जिनको जिनके साहित्य में अभिरुचि है, लेखन में अभिरुचि है, इस तरह की गतिविधियों में अभिरुचि है ज़्यादा, वही लोग सरोकार रखते हैं, आम जनता को उतना मतलब नहीं है। तो साहित्यकारों की एक कमेटी का गठन हो और सरकार से जो वांछित सहयोग चाहते हैं आप, वो अपना प्रस्ताव बना करके हम लोगों को विभाग को दीजिए, और सुनिए, और कृपया बराए करम आप इसको वापस ले लीजिए। सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि माननीय शाही जी जो अभी सदन के सम्मानित सदस्य हैं, और जब शिक्षा मंत्री थे तो उसी दरमियान बिहार के कोई एक दर्जन से ज़्यादा साहित्यकारों ने लिखकर एक आवेदन भेजा है विभाग में, कहीं संचिका में वो आवेदन पत्र होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी अध्यक्षता में कोई, मैं बिल्कुल पीछे रहना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम सरकार के स्तर पर आसान होगा कि सरकार अगर अधिकरण कर, तो मंत्री जी तो कह रहे हैं कि आप एक कमेटी गठित करके दीजिए, सरकार को जो सहयोग चाहिए सरकार करेगी, महोदय तो रास्ता निकलेगा। दर्जनों लोगों ने लिख कर दिया है, फिर से एक बार दीजिए ना, और वो है कहीं ना कहीं, आप पहल कर रहे थे लेकिन आप उसके बाद फिर व्यवस्था बदल गई थी, कि मुझे ये अवसर न दें कि मैं इसे वापिस करूं। मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि ये, और ये महोदय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष गांठ है, महात्मा गांधी के प्रति ये बड़ी श्रद्धांजलि होगी, बड़ी श्रद्धांजलि होगी महोदय, कि बिहार सरकार अगर एक कदम उठाएगी कि एक गांधी के सपने को साकार करने के लिए, क्योंकि गांधी के लिए बहुत काम किया बिहार सरकार ने, पूरा वर्ष मनाया गया 2017 में जब चंपारण सत्याग्रह का जी देर समी एक वर्ष गांठ है महोदय, सरकार क्या करे, मान लीजिए ना। महोदय, जो बातें रामबचन बाबू बोल रहे हैं, करीब करीब हम भी उसी तरह की भाषा को बोले हैं, और पूरी तरह से हमने इत्तफाक किया है, और हमने मंत्री की हदों को पार करके भी स्वीकार किया है, तो मुझे इतराज कहाँ है, मैं तो रजा हूँ उस रजा में जिसमें तेरी रजा है। जो आप चाहते हैं वो मेरे मन में भी पीड़ा है, क्योंकि मैंने भी उसको बहुत करीब से देखा, और आपकी जो भावनाएं हैं हम उससे अलग नहीं, हमारी सोच है, कुछ करना होगा। और ये बोझ, ये पटना के मशहूर जो साहित्यकार लोग हैं, साहित्य से जिनका जुड़ा हुआ है, उनको आगे बढ़ना होगा, उनको लगे कि बिहार में उसके जीर्णोद्धार के लिए एक आवाज़, मुखर आवाज़ तैयार हो गई है, मजबूत आवाज़ तैयार हो गई है, फिर हम लोग का सहयोग तो आपको रहेगा ही, लेकिन साहित्यकारों को आगे बढ़ाइए, और फिलहाल तो आप ये कीजिए कि इसको वापस ले लीजिए। महोदय, तो ये मैं तो ये चाहता हूँ, ये संकल्प पारित भी होता रहा इस सदन में, इसलिए अगर ये संकल्प पारित हो जाता है तो इस पर बल मिलेगा, जो माननीय मंत्री जी जो कदम बढ़ाना चाहते हैं उनके कदम को बल मिलेगा इस संकल्प के सहयोग से, और ये श्रेय आपको मिलेगा। मैं तो आपके साथ हूँ, जब भी आप कहेंगे आपके साथ 2-10 कदम चलने के लिए तैयार हूँ, जो मेरी क्षमता होगी। लेकिन अगर ये संकल्प पारित होता है इस सदन में, तो ये गौरव महोदय इस सदन को प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसे, और उस सदन के अनुकूल होगा,
इसलिए महोदय सदन की भावना को देखते हुए आप इसके लिए बाध्य न करें, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। हमारी महोदय माननीय सदस्य रामबच्चन बाबू की बातों को हम और आप सभी सुन रहे हैं और उनकी वेदना झलक रही है शब्दों के माध्यम से, और ये अच्छा इत्तफाक भी है कि बिहार में जो वर्तमान सरकार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो ऐसे कामों में उनकी कितनी अभिरुचि है ये सब हम लोग जानते हैं। तो जो कुछ कहा है और सदन की जो भावना है, सदन सैद्धांतिक रूप में संकल्प के से सहमत है, ये आपकी भावना को देखते हुए मुझे ऐसा लगा, और आप दोनों ने जो कुछ कहा मैं आपके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ, और निश्चित रूप से आप इस पीड़ा से व्यथित हैं और कोई ऐसा निकलना चाहिए, पीर पर्वत हो गई है पीर पर्वत, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो आपकी भावना को देखते हुए, आप दोनों माननीय मंत्रियों का सम्मान करते हुए सदन की भावना को देखते हो कि सदन का पूरा समर्थन है महोदय, लेकिन तकनीकी कारणों से जैसा आनंद किशोर बाबू ने कहा कि बाहर ये न जाए लोगों के बीच संदेश कि सदन ने कोई जबरन इसे पास कर दिया, सदन ने पारित कर दिया, राजनीति के लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं। तमाम लोगों की भावनाओं का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिन लोगों ने लिख कर दिया था, जिन लोगों की पीड़ा है, आप सब लोगों की। इसलिए महोदय तकनीकी कारणों पर ध्यान देते हुए और आपका आश्वासन कि जितनी जल्दी हो सके लोगों की राय मशविरा करके इस दिशा में सरकार आगे बढ़े, इस भावना के साथ इस संकल्प को मैं वापस लेता हूं। संकल्प वापस हुआ। श्री राम राम लसन राम रमन सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के अंधरा ठाड़ी प्रखंड की मैलाम पंचायत, गंगद्वार पंचायत तथा रखवाड़ी पंचायत के क्वारपट्टी टोला को कमला नदी के पश्चिमी तटबंध के पास है उसे राजनगर प्रखंड में शामिल कर कमला नदी से रक्षा करे। मेरा कहना यह है हुजूर कि राजनगर क्षेत्र में दो प्रखंड हैं, अंधरा ठाढ़ी और राजनगर, तो कमला नदी बीच में बहती है और कमला नदी के पश्चिमी तटबंध के पश्चिम मैलाम पंचायत है, गंगद्वार पंचायत है और एक रखवाड़ी पंचायत है जिसका एक टोला क्वारपट्टी इधर है, तो इसमें 21 किलोमीटर तक उस नदी में कोई पुल नहीं है। अब इस पार वाले को उधर अगर जाना पड़ता है तो झंझारपुर होके जाना पड़ता है, तो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 53 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, और इधर बाबूबरही प्रखंड होके